This message. Zabur 55 और उसकी आयत नंबर 22। जबूर 55 उसकी आयत नंबर 22 लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 अपना बोझ खुदावंत पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, साधों को कभी जुम्बश ना खाने देगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर सुने जाने पर खुदावंत का शुक्र करते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं उठते, हाथ क्यों बने हुए ने? क्यों हाथ बांधे हुए आपने? खुदा की प्रस्तुति करें, स्ताइज करें, उसको जलाल दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की बादशाहों का बादशाह जय यीशु दी। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, आप थोड़ी सी सुस्ती ना उतरेंगे, क्योंकि आप सुस्त हो गए, मैं देख रहा था। हम खुदा के घर में हैं और कलाम ने कहा कि खुशी से खुदावंद के हुजूर आओ और खुशी से उसकी बात। और हम ऐसे थे जैसे चेहरे हमारे उदास थे। आज ये आयत बड़े खूबसूरत आयत है, बाबरकत है, जो इसको समझे। लिखा है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो साधक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। आमीन। आज के इस दौर में हम बहुत सारे बोझों के नीचे हैं, बहुत सारे बोझ हमारे ऊपर हैं। खामोशी इख्तियार करें, आप आराम से जरा बैठ जाए। अगर आप ध्यान से कलाम को सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे, क्योंकि कलाम बंद जेलों को खोलता है, जिंदगियों को तब्दील करता है, हालात बदलता है जब अंदर होगा कलाम। बार बार से कलाम कभी आपका हालात नहीं बदलेगा। जब यीशु आपके अंदर होगा तब हालात बदलेंगे। जब आप सच्चाई से दिल से उसके साथ होंगे, वो आपके साथ होगा, तब हालात बदलेंगे। आमीन। बहुत सारे बोझ के नीचे हम दबे हुए हैं, बहुत सारे बोझ हमारे ऊपर हैं। सबसे बढ़कर गुनाह के बोझ तले हम हैं, कारोबारी बोझ है, औलाद नहीं ये भी एक बोझ है, औलाद नाफरमान है ये भी एक बोझ है, कारोबार नहीं उसका भी बोझ है, हमारी जिंदगियों में जो सुस्ती का ली ये भी एक बोझ है जिसको हम छोड़ते नहीं। जिस तरह हम गुनाह को, झूठ को, बदी को नहीं छोड़ते, हम सुस्ती काहली को भी नहीं छोड़ते। हम जब तक खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, अपना भरोसा, अपना इत्तेकाद, अपना ईमान उस पर नहीं रखेंगे, हम इन बोझों से कभी नहीं निकल सकते। जब तक हमारा भरोसा नहीं, ईमान नहीं और हम खुदा पर इत्तेकाद नहीं करते, यीशु ने ऐसे नहीं कहा था कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी मानो। जब हमारा ईमान नहीं होगा, जब हम मसीह को रद्द करेंगे, खुदा के कलाम को रद्द करेंगे, तो हम बरकत नहीं पा सकते। हिस्ट्री भरी पड़ी है। अगर हम पुराने अहदनामा को गौर से कभी पढ़ा करें तो आपको बहुत कुछ मालूमात मिलेगी। बहुत सारी जो सुपर पावर थी उस वक्त के दौर की, उन्होंने क्या किया, इसराइल पर बार बार धावा किया। और किस वजह से? इसराइल के गुनाहों की वजह से खुदा उनको उनके हवाला कर देता था।
अगर हम गौर करें, शाह फारस ने इसराइल पर हुकूमत की हमला किया, उसके बाद बाबल का जिक्र मिलता है आपको कि बाबल के बादशाहों ने भी बार बार हमले किए, अशूर के बादशाहों का हमें जिक्र मिलता है कि उन्होंने इसराइल पर हुकूमत की। फिर हम देखते हैं कि यूनानियों ने हुकूमत की, फिर हम देखते हैं कि मसीह के दौर में रूमी हुकूमत वहां पर थी। वजह क्या था? वजह यह थी उनके गुनाह, उनकी सरकशी, उनकी बुतप्रस्ती, उनकी हरामखारियां, उनकी शैवत प्रस्तियां, उनके लालच। बहुत सारे बादशाहों का जिक्र अगर हम तवारीख की किताब, पहला तवारीख, दूसरी तवारीख, पहला सलातीन, दूसरी सलातीन पढ़े तो बादशाहों का जिक्र मिलता है। उस दौर के जो बादशाह थे वो कौम से गुनाह करवाते थे, क्योंकि वो खुद गुनाह में मुलव्वस होते थे और कौम भी गुनाहों में मुलव्वस होती थी, और फिर खुदा से वो सजा पाते थे। आज के दौर में भी ऐसा ही हो रहा है कि लीडरान खुद भी गुनाह में हैं और कलीसिया को भी गुनाह में रखते हैं। उस दौर में भी बार बार खुदा तनबीह करता था, बार बार लोगों को आगाह करता था कि बाज आ जाओ, लोग बाज नहीं आते थे और खुदा सजा देता था। आज के दौर में भी ऐसा ही है। हम कुछ गौर करेंगे कि ऐसे बादशाह भी हैं जिन्होंने बार बार सरकशी की, रूहानी सरकशी, खलाकी बिगाड़, झूठे देवताओं पर भरोसा उन्होंने किया, और फिर उन्होंने उसके फल भी काटे। यर्मिया ने बड़ा खूबसूरत नोहा की किताब में लिखा है कि बाप दादा ने गुनाह किया, वो चल बसे और अब हम उनकी सजा पा रहे हैं। यहां पर एक जिक्र है कि जब वो उन्होंने रूहानी बिगाड़ किया जो असूर के बादशाह ने, 210 साल के बाद 722 में इसराइल ने वाद सच्चे खुदा की नाफरमानी का फल काटा और उसने पूरी इसराइल कौम को फतह कर लिया। खुदा भी फिर ऐसे लोगों को जो नाफरमानी करते हैं, जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, वो दुश्मनों के हवाले कर देता है। मेरे अजीजों, खुदा फिर भी हमसे प्यार करता है। उस वक्त भी बार बार फारस का बादशाह, असूर का बादशाह, फिर बाबल की हुकूमत, यूनान, ये बार बार हुकूमत ने सरकशी की सजा देने के लिए खुदा इनको इस्तेमाल करता था, और वो लोगों को असीर करके अपने मुल्क में ले जाते थे और वहां से लोग लाकर इसराइल में आबाद करते थे। इसराइलियों को लेकर अपने मुल्क में चले जाते थे और वहां के लोगों को लाकर इसराइल में रखते थे। लेकिन वो लोग जो चंद वफादार लोग होते थे, खुदा के लोग होते थे, जो खुदा से प्यार करते थे, वो वहां रह जाते थे, और खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता था। और खुदा आज भी सारी दुनिया में अगर हम गौर करें, क्या सारे ही ईमानदार अच्छे हैं? सारे अच्छे नहीं। जैसे वो बादशाह सारे अच्छे नहीं थे, आज भी सारे ईमानदार अच्छे नहीं हैं। उस वक्त के बहुत सारे बादशाह जैसे अच्छे नहीं थे, आज के लीडर भी सारे ऐसे अच्छे नहीं हैं। आज भी वही हाल है जो उस वक्त का हाल था। आज भी चंद ऐसे हैं
उन्होंने भी खुदा के खिलाफ गुनाह किया, आज भी लोग खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। रूल कुदस बारहा हम पर जाहिर करता है, उस वक्त भी उन पर जाहिर किया गया कि ये बुराई तुम्हारे अंदर है, ये बगाड़ तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारी मुश्किलात हैं और इनसे तुम दो चार। इन्हीं वजहों की वजूहात की बिना पर खुदा ने उन पर जवाल को भेजा। बाज़कत हम अपनी जिंदगियों में बड़े अच्छे वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जवाल आ जाता है। वजह क्या हो सकती होती है? वजह ये होती है हमारे गुनाह, हमारी सरकशी, हमारी रूहानी सरकशी, हमारी जिंदगी के बगाड़, हमारे लालच, लेकिन हम इसको समझते नहीं। पहली बात, वो लोग जो इस्राएली थे वो खुदा की उस मोहब्बत और मेहरबानी को भूल गए जो उसने मिस्र की गुलामी से रहाई देकर उन पर जाहिर की। खुदा की उस मेहरबानी और मोहब्बत को इस्राएली भूल गए कि खुदा कैसे उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है, और आज भी हम में से बहुत सारे खुदा की मेहरबानी और मोहब्बत को भूल चुके हैं। दूसरी बात, उन्होंने कामयाबी, भलाई और रहनमाई की तलाश के लिए अपने इर्द गिर्द के मुआशरे के झूठे खुदाओं की प्रस्तुति की। उस वक्त भी उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों को देखा, वहां के मुआशरे को देखा और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। आज भी हमारे दरमियान ऐसा ही हो रहा है कि आज भी मसीही कौम के लोग बहुत सारे रसूमात को, जो गलत रसूमात हैं, उनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है और हम उनके मुताबिक चल रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने बेदीनी की रवायात और वो तर्ज जिंदगी इख्तियार की जो उनके आसपास की दुनिया में आम थी, और पालूस रसूल बेदीनी के तलक से बहुत बार बार खतूत में लिखता रहा। उस वक्त भी बेदीनी का दौर था, आज भी बेदीनी का दौर है, आज भी गलत रवायात हैं, उस वक्त भी गलत रवायात थे, उस वक्त भी तर्ज जिंदगी अच्छा नहीं था, लोग खुदा के साथ नहीं चलते थे, आज भी ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। चौथी बात, उन्होंने खुदा के नबियों और उनके पैगाम और खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त काम करने के चैलेंज को रद्द कर दिया। उन्होंने अंबिया के कलाम को कबूल ना किया, उन बादशाहों ने, इसराइलियों ने। आज भी लोग खुदा के खादमीन कलीसिया को पैगाम दे रहे हैं, नए नए चैलेंजेस दे रहे हैं, लेकिन लोग कलाम को रद्द करते हैं, लोग उन पैगामात पर गौर नहीं करते। पांचवी बात, वो खुदा पर भरोसा करने में नाकाम रहे और खुलम खुला खुदा की तहरीरी कलाम और उसके अहद के खिलाफ सरकशी। आज भी लोग खुदा पर एतमाद नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, क्योंकि हम दिल से खुदा के साथ चलते नहीं हैं, सच्चाई से हम खुदा के साथ चलते नहीं हैं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं, हम रस्मी तौर पर हम खुदा के साथ चल रहे हैं। और इसलिए खुदावंद ने कहा है कि ये लोग होंठों से मेरी तालीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। आमीन। छठी बात, वो फालगिरी, जादूगरी और हर किस्म के गैर खिलाफी बात के मरतकब हुए। बनी इसराइल फालगिरी में पड़े हुए थे, जादूगरी में पड़े हुए थे, गैर खलाकी, बद खलाकी की हरकत में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से खुदा ने उनको बार बार रद्द किया, खुदा ने बार बार उनको दूसरी कौमों के हवाले किया, उन्हें सजा भी मिली, लेकिन वो बार बार
बार बार खुदा का गुनाह करते थे, वो उन लोगों के आइन पर चलते थे, उनकी बातों को अडॉप्ट करते थे। इसराइल के बेदीन लोगों ने की तर्ज जिंदगी उनके कामों को कबूल किया और उन्हें अख्तियार किया। किन को? वो लोग जो उस वक्त के बादशाह असूर ने लाकर इसराइल में बसाए थे, और खुदा ने कलाम में कहा कि तुमने गैर कौमों में शादी नहीं करनी, लेकिन उस वक्त इसराइलियों ने खुदा के साथ उस अहद को तोड़ा, उसके हुक्म को तोड़ा, और उन्होंने उन लोगों के साथ जो वहां आकर आबाद हुए थे शादियां शुरू कर। आज भी यही हो रहा है, आज भी हम बड़े खुश होते हैं, आज भी गैर कौमों में हम शादियां करते हैं, जबकि खुदा के कलाम के ये मुताबिक मुनासिब नहीं है। उस वक्त भी उन लोगों ने आसपास के कौमों के कामों को अपनाया, गुनाहों को अपनाया, आज भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम और उनमें कुछ फर्क नहीं है, और इसी वजह से खुदा सजा देता है। हमें जो इसराइल की हिस्ट्री है, तारीख है, उसके मतलब मालूमात होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसराइल ने खुदा के नबियों को रद्द किया। किन किन नबियों को रद्द किया? बाइबल मुकद्दस में उन सब नबियों का बयान है। कुछ अंबिया का मैं जिक्र करता हूं कि उन्होंने यशाया को, यर्मिया को, एलिया को, एलिशा को, अमूस को और होशिया को, जिन्होंने लोगों के गुनाहों को उन पर जाहिर किया और उन्हें हकीकी तौबा की मुनादी की कि तौबा कर लो और बाज आ जाओ, खुदा के गजब से बच जाओ। लेकिन लोगों ने कलाम को कबूल ना किया, लोगों ने रद्द किया, और इस वजह से उन्होंने बहुत दफा दुख उठाए। बहुत सारे बादशाह ऐसे ही थे जो बार बार गुनाह करते और बार बार खुद भी मुसीबत में पड़ते और कौम को भी मुसीबत में डालते, लेकिन ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं जो खुदा के साथ चलते थे, जो खुदा के साथ चलते थे। उनमें से एक बादशाह का जिक्र है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ना सामरियों के मुतालिक बताना चाहता हूं। वो लोग जो अश्शूर के बादशाह ने इसराइल में लाकर आबाद किए थे, और वो लोग जो इसराइली थे उस वक्त वहां मौजूद जब उन्होंने शादियां की, और वो औलाद जो उनसे पैदा हुई उनको सामरी थे, वो सामरी थे, और इसी वजह से यहूदियों का और सामरियों का इट कुतला बैस, क्योंकि सामरी जो थे वो सिर्फ पहली जो पांच किताबें थी उनको बयान करते थे और गलत उसमें एडिशन करते थे, रवायात गलत बताते थे, जो कि कलाम के मुनाफिक था। एक मौका पर यीशु ने सामरी औरत के साथ सामरी रवायात के नामुकम्मल होने के बारे में बातचीत की थी, और बाद में बहुत सारे सामरी फिलिपस की खिदमत के वसीला से मसीह पर ईमान ले आए थे। सुना ना ऐसा? सुना कि नहीं सुना? खुदा सबको तौबा की तौफीक अता करता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। उस वक्त के सामरियों ने भी तौबा कर दी अपने गुनाहों से, अपनी गलत रवायात की जो वो अपनाए हुए थे उनसे तौबा कर ली, उन्होंने बुत प्रस्ती से लालच से तौबा कर ली। लालच जो है ये सबसे बड़ा
हमें गुनाह में धकेलता है, और ये सब लालच जो है सब गुनाहों की जड़ है। अब देखें दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, क्या किया, हाँ जी बताएं, दाऊद ने क्या किया था, क्या किया था पता नहीं, उसने दूसरे पड़ोसी की औरत का लालच किया था, और उस इस वजह से उसने कितने गुनाह किए, हाँ जी बताएं जरा, एक खुदा ने कहा कि लालच ना करना, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना, फिर जना ना करना, फिर चोरी ना करना, एक गुनाह की वजह से उसने कितने गुनाह कर दिए, उसने लालच भी किया, उसने पड़ोसी की बीवी को भी लिया, उसके साथ जना भी किया, और फिर उसके मियां को कत्ल भी करवाया, लेकिन उसने अपने गुनाह का इकरार किया और खुदा ने उसको माफ किया। हम सब कुछ करने के बाद इकरार नहीं करते, हम कहते कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, जब तक हम गुनाह का इकरार नहीं करेंगे हम रहाई नहीं पा सकते। हमने बादशाहों का सीखा जाना कि इसराइल की तारीख ये बयान करती है कि बादशाह करप्ट थे, वो लालची थे, वो बुतपरस्त थे, और उन्होंने कौम को भी इन गुनाहों पर लगाया, वो गलत रवायात अपनाए हुए थे। एक बादशाह, हिजकिय्याह बादशाह, उसके तल्लक से लिखा है कि वो अच्छा इंसान था, रास्तबाज था, खुदा के साथ चलता था, क्या करता था, खुदा के साथ, और उसने अपनी दुआ में यही कहा कि खुदा मैंने वो किया जो तेरी नजर में भला है, आमीन। हिजकिय्याह बादशाह के दौर में, जबकि उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह के दौर में भी जो हुकूमत थी वो असूर के अंडर थी, लेकिन एक वक्त आया कि बादशाह उससे मुनहरफ हो गया, बादशाह ने उसके हुक्मों को मानना छोड़ दिया, बादशाह ने उसको खराज देना, टैक्स देना छोड़ दिया, और वक्त आया कि फिर शाह असूर ने दोबारा हमला किया और उनको घेर लिया, उनको असीर कर लिया, यानी उसके चारों तरफ उसने शहर के घेरा तंग कर दिया, खाना पीना उनका मकूफ कर दिया, और लोगों को कहा कि तुम क्यों हिजकिय्याह बादशाह की बात मानते हो, तुम क्यों उसकी बात मानते हो, तुम क्यों उस पर भरोसा करते हो, वो तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता, और ना तुम्हारा खुदा माबूद तुम्हें बचा सकता है। तो जब बादशाह को पैगाम पहुंचा तो बादशाह उस नामा को जो असूर के बादशाह की तरफ से मिला उसने उसको खुदा के हजूर फैला दिया, यानी हैकल में जाकर वो दस्तावेज जिस पर ये हुक्म लिखा गया था कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम्हें बादशाह नहीं बचा सकता, तुम्हें तुम्हारा खुदा नहीं, उन्होंने खुदा की तफकीर की, उन्होंने खुदा को रद्द किया, वो जो बादशाहों का बादशाह खुदामंदों का खुदा है, जो पूरी कायनात का खालिक मालिक है, उन्होंने खुदा की कौम की और खुदा की तफकीर की, हद तक की मजाक उड़ाया, तो क्या हुआ कि जब उसने वो हुक्मनामा जो बादशाह की तरफ से था फैला दिया हैकल में, तो खुदा का कहर उस बादशाह की अफवाज पर भड़का। इससे पहले अगर हम इन हवालाजात को पढ़ें, 17 बाब जो सलात दूसरा सलात इन 17 बाब 18 बाब 19 बाब, तो वहां पर ये पूरी तफसील लिखी है। उससे पहले उसका एक सरदार आता है, खुदा ने उसको भी वहां से भगाया और कहा कि ये मर जाएगा जो खुदा के लोगों के खिलाफ बातें करता है, जो खुदा के खिलाफ बातें करता है वो भी मर गया। फिर ये बादशाह आया, खुदा ने फिर इसको भी सजा दी,
और ऐसी सजा दी कि खुदा के फरिश्ता ने इनकी अफवाज के 1,85,000 लोग मार दिए और वो अपने मुल्क को लौट गया। वो सरदार भी लौट गया और मर गया, ये बादशाह भी लौट गया और खुदा ने कहा कि ये कत्ल हो जाएगा और वाकई ही ऐसा ही हुआ, वो भी कत्ल हुआ। जो खुदा पर इत्मीनान रखते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो अपना बोझ उस पर डाल देते हैं, खुदा उनकी हिफाजत करता है। इसके बादशाह सादिक था। ज़बूर की किताब में हमने जो आयत पढ़ी थी क्या लिखा था वहां जी, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, फिर आगे साधकों को भी जुम्बश। वो खुदा की नजर में साधक था, वो भलाई करने वाला था, वो मोहब्बत करने वाला था, वो खुदा के हुक्मों को मानने वाला था, वो खुदा की इबादत प्रस्तुत करने वाला था, इत्तेकाद रखता था, भरोसा रखता था। इसलिए उसने अपना बोझ, अपनी फिक्रें किसके आगे रखी और खुदा ने उसको उन फिक्रों से आजाद कर दिया, खुदा ने उस बोझ को कबूल कर दिया। मैं और आप अपने बोझ से क्यों रहाई नहीं पाते, मैं और आप क्यों अपनी फिक्रों में परेशान रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? वजह क्योंकि हम खुदा को नहीं जानते। और कलाम ने कहा है कि हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझे खुदाए बाद बरक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ना हम खुदा को जानते हैं, ना हम यीशु को जानते हैं, और इसीलिए हम फिक्रमंद रहते हैं, इसीलिए हम बोझ के नीचे हैं। बादशाह खुदा को जानता था, बादशाह सादिक था, बादशाह ने अपना बोझ क्या किया, खुदा पर डाल, अपनी फिक्रें खुदा के सामने रख दी। लिखा है कि अपनी फिक्रें क्या करो, नाम पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा। खुदा को कौम का भी ख्याल था, खुदा को बादशाह का भी ख्याल था, खुदा को आपका भी ख्याल है, आपके खानदान का भी ख्याल है, खुदा को आपकी कौम का भी ख्याल है। जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया की रस्म और रवाज से निकलें, इन झूठी रवायात को छोड़ें, लालच को छोड़ें, बदी को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें, तारीकी को छोड़ें, भरोसा खुदा पर करें। वो आपको शफा देगा, वो आपका शाफी है, वो आपको शफा देगा क्योंकि वो आपका शाफी है। उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। हम बीमारियों में गिरफ्तार रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन खुदा के हजूर नहीं आते, खुदा के हजूर नहीं आते। मफलूज को किसके हजूर लाए थे? चार आदमी उठाकर यीशु के पास आए। जो यीशु के पास आ जाता है वो शफा, जो यीशु की हजूरी में चला जाता है वो भी शफा पा जाता है। औरत जो यीशु जा रहा था उसने छुआ, उसने, जब आप ईमान से यीशु को अपने घर ले जाएंगे तो यार की बेटी की तरह आप भी जिंदा हो जाएंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, आपकी जिंदगियां बहाल हो जाएंगी। इत्तकाद करें उस खुदा पर, भरोसा करें उस जिंदा खुदा पर, ईमान रखें उस जिंदा खुदा पर और अपने बोझ उसके हजूर उंडेल दें। नौकरी का बोझ है, नहीं है नौकरी तो खुदा उनके हजूर दरख्वास्त को रख दें। इसके अंदर दरख्वास्त को रखा ना, सिंपल दरख्वास्त करें, क्या खुदा तू ही जानता है, तू इन पर जाहिर कर कि तू ही दुनिया में अकेला खुदा है। इसके अंदर ये कहा था कि तू जाहिर कर उन पर, उन्हें बता कि तू ही दुनिया में वाहिद खुदा है, आपका एक ही यीशु है, वाहिद खुदावंद है, वाहिद बादशाह है, वाहिद निजात दिंदा है, जो आपको हर बीमारी से शफा दे सकता है, जो आपके तमाम बोझ को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो फिर अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें। एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। अभी हम गा रहे थे, हर कोई आके यीशु जा बादशाह, कोई और जलाल का बादशाह नहीं है, एक ही है, वो यीशु है। वो एक बार मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान हो चुका है, उसने अपना पाक लहू बहाया है, उसने मेरे और आपके गुनाहों को ढांप दिया है, कवर कर दिया, कफारा दे दिया है, उसने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी है, मुझे और आपको कीमत से खरीदा गया है।
उसने अपना रूल कुछ हमें इनाम में दे दिया है, अब रूल कुछ की रहनुमाई में हम चलें और खुदा की बरकत को हासिल करें। फिक्र ना करें, परेशान ना हो, वो आपका ख्याल रखता है, वो आपका बोझ उठाता है। आप अकेले बोझ नहीं उठा सकते, यीशु आपका बोझ उठाएगा। कामयाबी, कामरानी, इज्जत, दौलत, शोहरत सब खुदा की तरफ से है, किसी और तरफ से नहीं है, न मशरक से है न मगरब से है, सिर्फ कहां से है? खुदा से है। आमीन। उस जिंदा खुदा को हमेशा धन्यवाद कहें, मुबारक कहें, वो जो आपका ख्याल रखता है, रखदा ख्याल हर पल पल, आपके हर हाल का वो ख्याल रखता है, आपके सेकंड का ख्याल रखता है, आपके मिनट का ख्याल रखता है, आपके घंटे का ख्याल रखता है, आपके महीने का ख्याल रखता है, आपके सालों का वो ख्याल रखता है। कैसा अजीम खुदा है, हालेलुया। फिर वो चाहता है कि जगह हम जिस जगह मैं हूं मेरे साथ उसी जगह पर हो। खुदा चाहता है, उसका बेटा यीशु चाहता है कि हम भी उन मकानों में जाएं जो यीशु हमारे लिए तैयार कर। तैयारी की जरूरत है मुझे और आपको, मुझे और आपको तैयारी की जरूरत है। जब तक हम मैं आप तैयार नहीं होंगे हम उस मुकाम पर नहीं जा सकते। आए अपने बोझों को खुदावंद की हजूरी में डाल दें, क्योंकि हम बहुत सारे बोझों के नीचे दबे हुए हैं। गुनाहों का बड़ा बोझ हम सबके ऊपर है। आए खुदा उनकी हजूरी में इकरार करें और इस बोझ से हमेशा के लिए रहाई पा जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।